एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास वन के रूट्स एंड विंग्स की पढ़ाई। सो लेसन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं अ न्यू फ्रेंड तक। आज के वीडियो में करेंगे लेसन नंबर 5 काइंड मीना। सो लेसन का नाम है काइंड मीना। काइंड मीना, काइंड का मतलब क्या है? दयालु। दयालु मीना, जिसका मन जो है बहुत ही अच्छा होता है, जो दूसरों की मदद करने में आगे आता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे काइंड पर्सन, यानी बहुत ही दयालु इंसान, बहुत ही अच्छा स्वभाव वाला, अच्छे दिल वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, इस लेसन को रीड करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर बताया कि हमें जो है दूसरों को अच्छा फील कराना के लिए हम क्या क्या वर्ड्स हैं जो बोल सकते हैं, काइंड वर्ड्स, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो हम एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, जिन्हें सुनकर उनको अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे जो है पॉजिटिव वर्ड्स ही हैं, अच्छे वर्ड्स ही हैं। जैसे कि सपोज कोई एग्जाम देने के लिए जा रहा है तो आप कह सकते हैं बेस्ट विशेस, है ना, आप बेस्ट विशेस कार्ड उनको बना के दे सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। देन न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड आप बनाकर दे सकते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, जिनसे आप प्यार करते हैं। देन थैंक यू कार्ड आप दे सकते हैं किसी ने अगर आपकी मदद की तो, और गेट वेल सून कार्ड आप दे सकते हैं अगर कोई बीमार हो तो, ठीक है। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिससे हम एक दूसरे को अच्छा फील करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर भी है, ये लेसन भी है। तो चलिए अब हम इसको रीड करते हैं और इसका मतलब समझते हैं। मीना लिव्स विथ हर पेरेंट्स इन अ हट। तो मीना जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, अपने माता पिता के साथ रहती थी, एक हट में रहती थी। हट मतलब जो झोपड़ी होती है, ठीक है, जो इस तरीके से दिखती है उसको हम हट बोलते हैं। इट हैज़ अ स्मॉल गार्डन इन इट्स बैकयार्ड। और उसके घर के पीछे, बैकयार्ड मतलब घर के पीछे, एक स्मॉल गार्डन था, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा गार्डन था, एक बगीचा था। देन मीना लव्स फ्लावर्स। मीना को जो है फूल बहुत पसंद थे। शी लुक्स आफ्टर हर गार्डन विथ ग्रेट केयर। वो अपने गार्डन की देखभाल करती थी बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि वो अपने बगीचे का अच्छा ध्यान भी रखती थी। वन डे, एक दिन, शी सीज, उसने देखा अ पैरट सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ग्वावा ट्री। एक दिन उसने देखा ग्वावा ट्री के ऊपर, ग्वावा ट्री कौन सा है, अमरूद का पेड़, ठीक है, उसके ऊपर उसने देखा कि एक पैरट बैठी है। पैरट कौन है? तोता, ठीक है। तो मीना ने देखा कि उसके घर के गार्डन में जो ग्वावा ट्री था ना, उसके ऊपर एक पैरट बैठी थी। इट कैन नॉट फ्लाई। और वो पैरट जो है उड़ नहीं पा रही थी। क्यों नहीं उड़ पा रही थी? इट इज हर्ट। हर्ट मतलब चोट लगना। उस पैरट को जो है चोट लगी हुई थी। She brings it home and takes care of it. तो मीना ने क्या किया? वो अब उस पैरट को अपने घर लेकर आई और उसका ध्यान रखने लगी, उस पैरट की देखभाल करने लगी, क्योंकि उसको चोट लगी थी। फिर क्या हुआ? At night, मतलब रात हो गई। Then when Meena is in bed, जब मीना बेड में थी, मतलब वो सो रही थी, the beautiful moon fairy comes to her, एक बहुत ही सुंदर moon fairy आई। moon fairy मतलब fairy क्या होता है? परी। परी देखी है ना आपने, मतलब जो real में तो नहीं होती, imaginary होती है। हम कहानियों में सुनते हैं कि परियां होती है, real में नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं, ये है moon fairy, जो परियां होती है, ठीक है। तो moon fairy जो है उसके पास आई। तो रात का समय था, जब मीना अपने बेड में लेटी हुई थी, तो एक ब्यूटीफुल सी परी आई उसके पास। एंड शी सेज, उसने कहा, मीना यू आर अ वेरी गुड गर्ल। परी ने कहा, मीना तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यू आर काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल, तुम बहुत काइंड हो, दयालु हो और हेल्पफुल हो, यानी सबकी मदद भी करने वाली हो, तुम मदद करती हो सबकी। डू नॉट वरी, परी कहने लगी, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, द पैरट विल सून बी वेल, जो पैरट तुम लेकर आई हो जिसे चोट लगी है ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। Here is a shining star. और उस moon fairy ने जो है एक shining star जो है मीना को दे दिया। Shining star मतलब एक चमकता हुआ सितारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। And कहा, keep it with you, ये अब ये तुम अपने पास रखो। If you ask for food or anything you want, you will soon
हैव देम। परी ने कहा कि ये तुम अपने पास रखो, इस स्टार को अपने पास रखो, और जब भी तुम्हें कभी फूड मांगना हो, यानी अगर तुम्हें खाना चाहिए या एनीथिंग यू वांट, जो भी तुम मांगना चाहते हो तुम इस स्टार से मांग सकते हो, ठीक है। जादुई स्टार जैसा जो है उस परी ने मीना को दे दिया, तो उससे पूछने से आपको वो सब मिल जाएगा। उस स्टार से तुम जो भी पूछोगे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू आस्क द स्टार फॉर देम, ठीक है। तो स्टार से पूछना है तुम्हें बस, और वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हारी हो जाएगी। तो इस तरीके से परी ने जो है उसे चमकता हुआ एक सितारा दिया। मीना स्माइल्स, मीना खुश हो गई और वो हंसने लगी। द फैरी हग्स हर, और फैरी ने उसे हग किया। हग किया मतलब गले लगाया। और शी सेज, और फैरी ने कहा, यू विल नेवर बी सैड इन लाइफ, तुम जो है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए वो अच्छे अच्छे काम कर रही है, दूसरों की मदद कर रही है ना, और जो अच्छा करता है उनके साथ भगवान भी अच्छा ही करता है। तो फैरी ने इस तरीके से मीना से कहा, कीप डूइंग गुड थिंग्स फॉर अदर्स। फैरी ने कहा, कीप डूइंग गुड थिंग्स मतलब ऐसी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हमेशा अपने लाइफ में करते रहो, दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहो, तुम अपने लाइफ में फिर कभी दुखी नहीं होगी। तो मीना से मीना ने कहा, थैंक यू माय ब्यूटीफुल फैरी। तो मीना कहने लगी, थैंक यू माय ब्यूटीफुल फैरी। ब्यूटीफुल फैरी मतलब मेरी सुंदर परी। थैंक यू करके मीना ने थैंक्स किया, और ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली गई। देन क्या हुआ? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मीना हेल्प्स एन ओल्ड वुमैन क्रॉसिंग द रोड। मीना ने जो है एक ओल्ड वुमैन, एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करने में मदद किया, यानी सड़क पार करने में उसकी मदद की। द वुमैन स्माइल्स एंड गिव्स हर ब्लेसिंग्स। तो वो जो औरत है ना, वो जो वुमेन थी, वो लेडी थी, उसने स्माइल किया क्योंकि उसकी मदद की ना मीना ने, और उसे ब्लेसिंग्स भी दिया। ब्लेसिंग्स मतलब उसे आशीर्वाद दिया। अगर आप अच्छी अच्छी बातें करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे ना दूसरों के साथ, वो भी आपको जो है ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे, आपके लिए अच्छे प्रेयर्स करेंगे। देन मीना आस्क्स द स्टार फॉर थिंग्स। मीना ने जो है उस स्टार से ना, उसने जो परी ने उसे स्टार दिया था, मीना ने उस स्टार से चीज़ें भी मांगी। क्या क्या मांगी देखिए, दैट शी एंड हर पेरेंट्स वॉन्ट, जो जो चीज़ें उसको और उसके पेरेंट्स को चाहिए थी, मतलब मीना ने अपने लिए और अपने मम्मी पापा के लिए जो जो उन्हें चीज़ें चाहिए थी ना, उन्होंने मांगी, मतलब मीना ने मांगी उस स्टार से। और शी ऑल्सो आस्क द स्टार फॉर थिंग्स दैट द अदर पुअर पीपल नीड। और देखिए उसने सिर्फ अपने लिए ही नहीं स्टार से मांगा, उसने उन दूसरों लोगों के लिए भी स्टार से चीज़ें मांगी जिनको ज़रूरत है, मतलब जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके लिए भी सामान, चीज़ें जो है मीना ने उस स्टार से मांगा। मतलब वो अपने लिए भी मांग रही थी और दूसरों की भलाई के लिए भी काम कर रही थी। शी हेल्प्स द नीडी, नीडी मतलब जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है चीज़ों की, जिनके पास पैसे कम होते हैं, तो मीना ने जो है उन सभी की हेल्प करना शुरू किया क्योंकि उसके पास ऐसा एक स्टार था। मीना ने जो है सभी की मदद करना शुरू कर दिया। हर पेरेंट्स फील हैप्पी, और इससे जो है उसके पेरेंट्स हैप्पी हो गए। मीना के मम्मी पापा बहुत खुश हो गए मीना की इस स्वभाव की वजह से। हर नेबर्स उसके पड़ोसी एंड विलेजर्स उसके गाँव वाले दोनों भी हैप्पी हो गए, सभी हैप्पी हो गए मीना की वजह से, क्योंकि वो दूसरों की मदद करने लग गई थी। दे आर प्राउड ऑफ मीना, और सभी जो है मीना से प्राउड थे, सभी को जो है मीना से गर्व था, मतलब वो सभी मीना को बहुत प्यार करते थे और उसके ऊपर उन्हें गर्व था, ठीक है। तो यही आपका छोटा सा लेसन है काइंड मीना। तो आप भी ऐसे बनिए, ठीक है। अगर आपको कुछ मिलता है आप भी लीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा हो रहा है तो आप गरीब बच्चों को दे सकते हैं, नीडी पीपल को दे सकते हैं, और दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा आगे आइए, ठीक है। तो यही हमारा छोटा सा लेसन है जिससे हमने सीखा कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए जिनको ज़रूरत होती है। अब चलिए इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। मीना लिव्स इन अ हट विथ हर। मीना किसके साथ रहती थी उस हट में? मीना जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो पेरेंट्स पे मार्क कर देते हैं। देन नेक्स्ट, मीना लव्स, मीना को क्या पसंद था? मीना को फ्लावर्स पसंद थे, ये हमने पढ़ा है ना लेसन में, हाँ। देन मीना यूज़ द शाइनिंग स्टार, मीना ने
जो है वो शाइनिंग स्टार किस लिए यूज किया था? टू हेल्प हर फैमिली द पुअर एंड द नीडी, है ना। तो सबकी मदद के लिए उसने वो शाइनिंग स्टार यूज किया, अपनी खुद की फैमिली के लिए भी और गरीब लोगों के लिए भी और जिन जिनको भी जरूरत है उन सभी की मदद के लिए उसने वो स्टार यूज किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी पे टिक मार देते हैं। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ना दो ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। अ ब्यूटिफुल डैश कम्स टू मीना एट नाइट। ब्यूटिफुल कौन आई थी मीना के पास? ब्यूटिफुल फैरी आई थी, है ना। तो हम यहाँ पे फैरी पे टिक मार देते हैं। ब्यूटीफुल फैरी आई थी मीना के पास रात को। देन द फैरी गिव्स मीना अ डैश, और फैरी ने मीना को क्या दिया था? फ्लावर की शाइनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार दिया था, है ना। तो हम शाइनिंग स्टार पे टिक कर देते हैं, ये है आंसर। देन द मून फैरी टेल्स मीना टू आस्क द स्टार फॉर डैश दैट शी नीड्स। तो मून फैरी ने मीना से कहा था कि तुम स्टार से पूछ सकती हो क्या? वो सारी चीज़ें थिंग्स पे टिक मारेंगे, है ना, कि वो जो भी चाहती है वो सारी चीज़ें वो मांग सकती थी उस शाइनिंग स्टार से। सो थिंग्स पे टिक करेंगे, टॉयज पे नहीं। देन नेक्स्ट, मीना इज अ डैश गर्ल। मीना कैसी गर्ल थी? काइंड गर्ल थी, है ना, बहुत ही दयालु थी। क्रूएल मतलब जो बहुत ही क्रूर होते हैं, ठीक है, तो क्रूर नहीं थी मीना, जो है काइंड थी। देन अभी आगे देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जो वर्ड्स लगाकर आपको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज अ स्मॉल डैश इन द बैकयार्ड ऑफ मीनास हट। तो क्या है स्मॉल? गार्डन, ठीक है, तो यहाँ पे गार्डन लिखेंगे। मीना के घर के पीछे एक गार्डन था। वन डे मीना सीज अ डैश ई दैट इज हर्ट। एक दिन मीना ने क्या देखा था? एक छोटी सी पैरट को देखा था, है ना, तो यहाँ पे पैरट लिखेंगे। देन नंबर थ्री, द पैरट इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ गुआवा डैश गुआवा ट्री, है ना, गुआवा के पेड़ पर बैठी थी, तो यहाँ पे ट्री लिखेंगे। एंड इट इज डैश और हर्ट, है ना, क्योंकि उसको चोट भी लगी थी उस पैरट को। देन लास्ट देखिए, मीना ब्रिंग्स द पैरट डैश, वो अपने पैरट को कहाँ पर लाई? घर में लेके आई, है ना, ब्रिंग होम, तो मीना ब्रिंग्स द पैरट होम। सो मीना जो है उस पैरट को, उस तोते को अपने घर ले आई थी, तो यहाँ पर होम लिखेंगे। ठीक है, तो यही आपका छोटा सा लेसन है काइंड मीना। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।